Hello everyone, welcome to this first video in the entire series wherein we are trying to understand about the thematic coverage of the geography NCRTs. Now, whenever I talk to students, whenever they uh, try to reach out to me in person or uh, you know via the electronic media, this is the first question and the major question that they ask me that, ma'am, we are not able to understand how do we go ahead with the geography NCRTs. What is the most important reason behind it? That we do not have a standard, standalone textbook for the same. What we have as a resource, what is that everybody follows with respect to geography and see, uh, geography subject, is the NCERTs. So you do it from standard 6 to uh, standard 12, along with, let's say, there is a, also a book known as G.C. Leong uh, written by G.C. Leung, uh, but you have to do it very selectively. So, the whole question then comes back to the same point that if we do not have one single resource, it's very difficult for us to proceed with the geography NCRTs. So, here in this video, this is what I have tried to cover that we will have a comprehensive approach. नो आई विल बी रनिंग होल सीरीज़ रिलेटेड टू द जोग्रफी एन सी आर टीज आई एल बी ऑल्सो कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बट दिस पर्टिक्युलर वीडियो इज़ द फर्स्ट इन द सेगमेंट फॉर द रीजन दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट हम थीमेटिक कवरेज कैसे करेंगे हम जो करने जा रहे हैं दैट इज नॉट द क्लास वाइज कवरेज देखो एन सी आर टी करना है ये तो सबको पता है पर एन सी आर टी करना कैसे है ये नहीं पता होता लोगों को and there comes the problem because it is a technical subject you cannot just leave it like anything तो hum jo karenge wo hum karenge topic wise and that is why I have said it is the thematic coverage of the geography NCRTs theek hai abhi hum thoda aage badhte hain जो चीजें हम देखेंगे मैं आपको अगर पहले थोड़ा brief करा दूँ कि how we are proceeding तो ये एक content list है जो मैंने आप लोगों के लिए prepare की है which is about the geography NCRTs class X to XII ठीक है तो कैसे करना है अप्रोच क्या होगा वो हम यहाँ पे समझेंगे मैंने क्या करा है जो डिवाइड करा है टॉपिक वाइज करा है क्लासेस एंड बुक्स आपको बता दी हैं ये बुक के कोड्स हैं विच आई विल जस्ट शो यू डो नॉट वरी यू विल गेट एवरी थिंग एंड व्हाट आर द चैप्टर्स कवर्ड अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं ये उन एन सी आर टी की है जो रैशनलाइजेशन से पहले की थी बिकॉज अभी जो रैशनलाइज हो गया है कॉन्टेंट उसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो वी आर टेकिंग द पुराना वाला वन यू विल फाइंड द पी डी एफ ऑनलाइन एट मल्टीपल प्लेसेज और द बुक्स इन द स्टोर ऑल्सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट उसका रीजन ये है कि यू पी एस सी डू नॉट गो हाउ द सी बी एस सी वर्कस है ना उस हिसाब से यू पी एस सी काम नहीं करती है तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते दैट वी मिस आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ठीक है तो अब ये मैं क्विकली आपको पहले बुक के नाम से फेमिलियर करा दूँ देन आई विल गेट बैक टू दिस कि हम इसको कैसे कवर कर रहे हैं यहाँ पे वेरी क्विकली सींग देखिए सिक्स टू टेन्थ में तो यू हैव ओनली वन बुक वन क्लास तो उसमें बुक के नाम की कोई जरूरत नहीं है बट फॉर इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ फॉर स्टैंडर्ड इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ यू हैव टू बुक्स इन ईच ऑफ दीज क्लासेस क्लास इलेवेंथ में देर इज अ बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट जिसको मैंने शॉर्ट uh, में आई पी ई से डिनोट करा है दैन यू हैव एफ पी जी जिसको मैंने डिनोट करा है बट द नेम ऑफ द बुक इज़ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्रफी ट्वेल्थ में यू हैव फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्रफी तो आई हैव डिनोटेड इट एज एफ एच जी एंड क्लास ट्वेल्थ में ऑल्सो यू हैव इंडिया पीपल एंड एकमी विच आई हैव डिनोटेड एज आई पी एन ई ठीक है देर आर सम चैप्टर्स फ्रॉम दिस बुक्स विच आर नॉट कवर्ड बिकॉज दे आर नॉट रेलिवेंट फ्रॉम यू पी एस सी परपेक्टिव दैट ऑल्सो आई हैव मैंशनड तो आई होप दिस नोट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू वेर इन वी हैव सीन दैट विच पर्टिकुलर बुक इज फ्रॉम विच क्लास एंड वॉट आर द कोड्स आई हैव यूज आई रिपीट सिक्स टू टेंथ के लिए यू जस्ट हैव वन बुक वन क्लास इच सो दैट इन बी द प्रॉब्लम ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम समझते हैं कि टॉपिक वाइज पूरे जोग्राफी को जो अगर हमको शुरू करना है हाउ डू वी बिगिन ठीक है अभी क्या होता है अगर आप क्लास वाइज करेंगे तो देर आर मेनी टॉपिक्स विच यू विल फाइंड लेट्स से इन अ स्मॉलर लेवल एट दी लोअर क्लासेस उसी का एडवांस्ड वर्जन हो जाएगा इन दी हायर क्लासेस अब जब आप पढ़ोगे क्लास वाइज तो आपका सीक्वेंस टूट जाएगा फॉर एग्जाम्पल क्लास सिक्स में वो आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं इन द बुक फॉर एग्जाम्पल अबाउट यूनिवर्स मोशंस ऑफ अर्थ थोड़ा बहुत यू नो डोमेंस को लेके देन आप और भी देखोगे कि फिर क्लास सेवन में जो है थोड़ा इंटीरियर पे बात होती है थोड़ा क्लाइमेट वगैरह पे बात होती है फिर वो सीधे आता है इलेवेंथ या नाइन्थ में क्योंकि एट्थ और टेंथ में जो है ना वो रिसोर्सेज पे बात करते हैं तो अब बात क्या हो जाती है कि जब ये क्लास वाइज इस तरीके से अरेंज्ड है नॉट इन एनी सिस्टमेटिक मैनर फॉर अ स्टूडेंट टू प्रिपेयर इट होलिस्टिकली बिकम्स अ प्रॉब्लम सो द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस इज़ कि हम इसको टॉपिक वाइज कर लें अब टॉपिक वाइज हम कैसे कर सकते हैं मान लो जैसे हमने अर्थ को लेकर के बात करी रिलेटेड टू द बेसिक्स ठीक है यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में अर्थ के ओरिजिन एज अ प्लानट ऑरिजिन के बारे में मोशंस ऑफ द अर्थ हमने बात करा इवोल्यूशन कैसे हुआ ऑल द बेसिक्स जिसको आप बोलते हो तो उसको हम दो जगह से मान लो कवर करेंगे जैसे क्लास सिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं वन टू थ्री फोर क्विकली इसको पढ़ के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंटस कर लिए उसी का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन पहुंच जाएंगे तो इलेवेंथ की जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर टू मिल जाएगा तो ऐसे करके क्या हो जाएगा यू विल फिनिश दिस एंटायर सेगमेंट थीम टॉपिक ठीक है फिर आगे आएंगे फिर हम अर्थ के अब हमने अर्थ के बारे में थोड़ा सा ओरिजिन और ये सब समझ लिया इवोल्यूशन समझ लिया तो नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द डोमेन्स एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आल्सो जब तक अर्थ के अंदर की पढ़ाई को नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा ठीक है तो ये समझने के लिए हमें कुछ सेवरल रेफरेंसेस चाहिए क्लास सिक्स के ये चैप्टर सेवेंथ के और इलेवेंथ की ठीक है फिर अब जब हमने अर्थ के इंटीरियर को समझ लिया तो अब हम अर्थ के सरफेस पे भी चीज़ें समझेंगे कि ओशन्स और कॉन्टिनेंट्स जो हमारे अर्थ के सरफेस पे हैं भाई वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ठीक है थीके? और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स मीन्स दोनों में आते हैं तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इलेवंथ की एक बुक को डिटेल में पढ़ेंगे हर एक लाइन को पढ़ेंगे कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी ये जो उड़ान बैच आ रहा है आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो हमारा एक उड़ान बैच आ रहा है 2024-2025 यूपीएससी के लिए 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही अफोर्डेबल बैच है क्योंकि यहाँ पर जो हमने प्राइजेज रखी हैं वो बहुत बहुत ही रीज़नेबल है अगर मैं आपको बहुत क्विकली एक ओवरव्यू दूँ इस बैच के बारे में तो आपको देखेगा हम 900 हंड्रेड प्लस लाइवाज दे रहे हैं बच्चों को ठीक है मीनस प्रीलिम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ वगैरह टॉपर्स से हम क्लासेज ले रहे हैं जो कि आपको बहुत रेलिवेंट लगेगा और पूरा शेड्यूल बहुत अच्छे से हो रहा है और ये जो है ना ये सिर्फ सेवन में आपको मिल रहा है तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको वहाँ समझ में आएंगी कि कैसे एक अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं रिगार्डिंग द होल प्रेपरेशन अगर आपको कोड यूज़ करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अर्पिता प्रकाश ज़ीरो सेवन कोड यूज़ कर सकते हैं तो आपको वहाँ पर रेलिवेंट अफोर्डेबिलिटी पर डिस्काउंट भी मिलेगा मूविंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे जो मैंने आपको बोला कि मैं जिस तरीके से इन चीज़ों को सामने रखूँगी और समझाऊँगी तो यहाँ पे अगर हमने अर्थ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनें समझ लिए तो अब हम कैसे जाएंगे अब हमने थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी इस पूरे सेगमेंट को ऊपर का तो नहीं बोलेंगे बट इस पूरे सेगमेंट को हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं तो जब हमने ये समझ लिया तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या समझेंगे क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट कैसा है अब देखो यहाँ क्या होता है ना यूजली लोग क्या करते हैं फिजिकल ज्योग्रफी अलग और इंडियन ज्योग्रफी जब अलग पढ़ते हैं तो उनको इंटरलिंकेज नहीं समझ में आता है हम क्या करेंगे हम क्लाइमेट एटमोसफियर जो पूरा पोर्शन है उसको ब्रॉडली पढ़ सकते हैं ठीक है आप अपने से भी चाहो तो ये इन चीज़ों को कवर कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मैंने ये लिस्ट दे दी समझा दिया तो अब आप ये इजीली अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं तो अब हमने जब क्लाइमेट के बेसिक्स को समझ लिया तो फिर हम इंडियन क्लाइमेट जो मानसून क्लाइमेट होता है मानसून होता है बेसिकली उसको भी हम साथ में इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि हमें फिनोमिना तो समझ आ गया ना कैसे काम करता है अब उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इंटीग्रेट कर लेंगे और अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स होगा तो हम साथ लेते चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है क्लाइमेटोलॉजी कर ली तो अब हम क्या करेंगे ओशनोग्राफी करेंगे जो हम वाटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सारे चैप्टर्स से हैं सेवन्थ और एलैंथ के जो हमें पढ़ने हैं अब जब इतना हमने पूरा पढ़ लिया ब्रॉडर ब्रॉडर चीज़ें तो हम पहुँचेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपको देखिएगा ये कितना ब्रॉडर सेगमेंट है ऑलमोस्ट हर क्लास में दिया हुआ है है ना सिक्स टू इलेवन तक तो दिया ही हुआ है तो कितना इंपॉर्टेंट है ये तो जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें हर क्लास के हर चैप्टर से मिलेगी हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे अब हम अब देखो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिसोर्सेस को लेके ये क्यों ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो हमारे नोटिफिकेशन यानी कि जो हमारा सिलेबस है ठीक है उसमें दी हुई है अगर आपने जोग्राफ़ी का सिलेबस देखा होगा तो आपको ये पता लगेगा कि ये चीज़ें जो हैं वो उसमें दी हुई हैं तो अब अगर वो मेंस और मेंस की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में तो ये सब इंक्लूडेड है वैसे भी मेंस में उन्होंने स्पेसिफिकली रिसोर्सेज के बारे में बात करी है। और हर साल अगर आप ट्रेस करेंगे प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं रिसोर्सेज पे तो अब जब ये रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको क्लास वाइज ना करके इसको हम टॉपिक वाइज करें एक रिसोर्सेज को हम एक ही बार में ख़त्म कर लें मेक सेंस तो जैसे कि क्या कर सकते हैं जैसे रिसोर्सेज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज हाउ डू वी क्लासीफाई एक्सेट्रा वो तो हमने एट्थ और टेंथ से कर लिया देन लैंड पे अलग सेगमेंट है सॉइल पे अलग सेगमेंट है एग्रीकल्चर पे अलग अब एग्रीकल्चर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है ये आपको इकोनॉमी में भी पढ़ाया जाता है ये जोग्राफी में भी इंटीग्रेट हो जाता है इसका रेलिवेंट साइंस एंड टेक में भी होता है है ना ये तो एवर ग्रोइंग वाला चीज़ है ये हर में इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके लिए फिर हम यहाँ क्लास ट्वेल्थ के भी एक सेगमेंट को लेकर आएंगे फिर हम वाटर रिसोर्सेज़ पे भी डिटेल में पढ़ाई कर लेंगे तो ऐसे जब हम रिसोर्सेज़ को बाइफोकेट करके करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें क्या होती हैं आसान हो जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और रिसोर्सेज पर बात करेंगे तो जैसे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज हमने एट्थ टेंथ और ट्वेल्थ के सेपरेट सेगमेंट्स कर लिए देन हमने अच्छा रिसोर्सेज पे तो यहाँ तक मामला ख़त्म हो गया तो अब क्या है सिलेबस में उन्होंने इंडस्ट्रीज पे भी बात की है आप मेन्स सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको ये चीज़ समझ आएगी मैं इनफैक्ट आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ ताकि मेंस में आपको वो रेलेवेंस जो है जिसकी मैं बात कर रही थी यू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी यर इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है तो अभी मैंने आपको क्या दिखा दिया कि हम रिसोर्सेज़ को अलग अलग लेवल पे सारे रिसोर्सेज को हम कवर कर ले रहे हैं ठीक है वी आर डूइंग ऑल द रिसोर्सेज तो अभी हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं आएगी जब वो मेन सिलेबस में कह ही रहा है और हम उसको कर ही लेंगे तो दर इज नो रीजन दैट यू विल पैनिक इन द एग्जाम हॉल थिंकिंग दैट यू हैव नॉट कवर्ड एनी पर्टिकुलर सेगमेंट और प्रीलिम्स में इसी के जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो आपको यूज़ में आ जाएंगे मतलब यू नो टू सॉल्व दोज क्वेश्चन तो आप देखोगे कि नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दिख रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर का हो गया सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग का हो गया टर्शरी सर्विसेज सेक्टर हो गया ठीक है तो वही अभी आपको मैं वहां दिखा रही थी तो ये आपको ऑलरेडी रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज का टॉपिक मेन सिलेबस में दिखता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर जी वन ज्योग्राफी एंड देन यू हैव इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिजिकल लाइक सुनामी वोल्कैनिक एक्टिविटी एट्सेट्रा विच यू कैन इंटीग्रेट विद द डिज़ास्टर मैनेजमेंट पोर्शन आल्सो टू कवर इट जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये जितने भी जियोमॉर्फोलॉजी की चीज़ें थी ना अर्थ्स इंटीरियर वगैरह को लेकर के ये आपको उसमें हेल्प कर देंगी तो कमिंग बैक टू आर लिस्ट अब हमने मान लो रिसोर्सेज खत्म कर लिए तो अब हम इंडस्ट्रीज से आगे आते हैं इंडस्ट्रीज़ पे हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी हमारे सिलेबस में है। तो हमने उन पे कवरेज कर लिया हमने टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ समझ ली ठीक है इन बुक्स की कोडिंग्स आपको दिखाई दी थी देन अब हम फोकस करेंगे थोड़ा स्पेसिफिक थोड़ा इंडियन जोग्राफी वाले पार्ट पे वी हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड द क्लाइमेटिक पोर्शन आई होप यू रिमेंबर क्लाइमेट वाले पार्ट में हमने इंडिया वाला पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था देन जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होगी उसमें भी हम इंडिया वाला पोर्शन इंक्लूड कर लेंगे जो रिसोर्सेज होंगे उसमें भी हम इंडिया वाला पोर्शन इंक्लूड कर लेंगे मैंने ये जो लिस्ट बनाई है वो वैसे ही बनाई है सो यू नीड नॉट वरी ठीक है वो इंटीग्रेटेड है अब हम आएंगे इंडिया के ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को लेके साइज लोकेशन एट्सेट्रा तो उसके लिए ये कुछ चैप्टर्स आपको करने हैं फिर हम स्पेशली इंडियन फिजियोग्राफी पे बात करेंगे ठीक है हमारा जो पूरा माउंटेन सिस्टम है हिमालयाज़ नॉर्थ ईस्टर्न में हम बात करेंगे हम आइलैंड्स पे बात करेंगे हम घाट्स पे बात करेंगे हम आपके बीच के प्लेट्यूज के बात करेंगे हम प्लेन्स पे बात करेंगे हम बहुत सी चीज़ों पे बात करेंगे ठीक है हम डेजर्ट्स पर बात करेंगे जब हमने इंडियन फिजियोग्राफी अब यहाँ पर क्या है क्लास एलेवेंथ की जो बुक है उसके चैप्टर्स नाइन्थ से ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एक दो चैप्टर्स को छोड़ के नाइन्थ एंड एलेवंथ का उन्होंने सेम ही कॉन्टेंट रखा है तो हम क्या करेंगे नाइन्थ को करके फिर टेंथ पे नहीं जाएंगे क्योंकि एट्थ और टेंथ कॉमन है और नाइन्थ और एलेवेंथ कॉमन है तो हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे देन वी विल ऑल्सो डू द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है ना रिवर्स एट्सेट्रा बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर हर बार फिर हम नेचुरल हज़ार डिज़ास्टर्स कर लेंगे आप इसको चाहो तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से इंटीग्रेट कर लो एक ही साथ हो जाएगा पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज अब ये क्या है ये ह्यूमन जोग्राफी का पार्ट है तो ये आपके इकोनॉमिक्स में भी आता है ये सोशल इश्यूज में भी आता है ये बहुत मतलब ये इंडियन सोसाइटी में भी आता है तो ये जो है ये मल्टीपल एरिया को कवर करता है ओवरलैप है ठीक है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी ह्यूमन सेटलमेंट्स को लेके तो ये सारा बेसिकली ह्यूमन इकोनॉमिक जोग्रफ़ी का हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ट्रेड कौन कौन से चैप्टर अब खुद ही देखो वेरिएशंस देखो सेवन के बाद सीधे टेंथ में इस पर बात की गई है फिर ट्वेल्थ के दोनों बुक में बात की गई है तो वाई नॉट डू इट एट वंस ऑल टुगेदर अच्छा रहेगा ना आराम हो जाएगा देन एनवायरमेंट रिलेटेड आस्पेक्ट सही है आप देख लेंगे अच्छा फिर एंड में हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बट मार्किंग स्कीम के हिसाब से उसका बहुत रेलिवेंस नहीं है बट हम छोड़ भी नहीं सकते तो रॉक्स मिनरल्स जियोमोफिक प्रोसेस अगेन दिस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ जियोमोफोलॉजी ठीक है तो इसको हम कवर करेंगे बेसिकली जो जियोमोफोलॉजी में यही आता है उसके पहले जो था वो एक काइंड ऑफ इंट्रो ही था बट जब बहुत जगह आप पढ़ोगे ना तो वो इंटीग्रेट कर देते हैं इसलिए मैंने बता दिया ताकि आप कहीं और देखो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो तो परेशान नहीं होना है कोर जियोमोफोलॉजी यही होती है कि कैसे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं एट्सेट्रा बट उसका जो बैकग्राउंड जाता है वो अर्थ का इंटीरियर वगैरह से लिंक होकर के ही आगे आता है एंड देन कुछ मिसेलिनियस टॉपिक्स हैं जिनको हम स्पेसिफिक सेगमेंट में नहीं बांट सकते बट यहाँ से अगर लिस्ट आप फॉलो करेंगे तो यू विल कवर दैम एज वेल और एंड में अगर मैं ये क्विकली आपको ये वाला दिखा ही दूँ कि नोट जो हमने करा था कि कौन सा बुक जो है कौन सी हेडिंग है और उसका कौन सा टाइटल है तो ये आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए ठीक है और जैसा मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें करनी कैसे हैं किस तरह से डिटेल में करनी है ये सारी चीज़ें आपको उड़ान बैच में बहुत अच्छे एलैबोरेटिव मैनर में मिलेंगी सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस है आपको दिख ही रहा है कि इज जस्ट सेवन ट्रिपल नाइन ठीक है एंड यू कैन यूज़ द कोड अर्पिता प्रकाश जीरो सेवन टू अवेल द एक्सेस टू दी स्र्सेस अगर आपको उड़ान के साथ जो ये हमारा जी का बैच है उसके साथ जोग्राफी ऑप्शनल भी लेना है क्योंकि कॉम्बो में क्या हो जाता है कि हमें एक साथ ही वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाती हैं हमें मेन्टर्नशिप भी मिल जाती है टेस्ट भी मिल जाते हैं टॉपर्स के क्लासेस भी हैं शेड्यूल भी हैं आंसर राइटिंग नोट मेकिंग एवरीथिंग विच यू नीड विच एन एस्पिरेंट नीड ठीक है writing, making, need, need, तो ये आपको जो टोटल पड़ेगा ये कॉस्ट पड़ेगा फोटीन ट्रिपल नाइन अगर आप ऑप्शनल जोग्राफी ऑप्शनल के साथ कॉम्बो में ले रहे हैं तो ठीक है यू विल गेट द बेस्ट फैकल्टी एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट ऑन द उड़ान प्लेटफॉर्म आप पाथ फाइंडर के प्लेटफॉर्म पे उड़ान का जब आप बैच डिटेल्स देखेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट द डिटेल्स देयर ठीक है एंड अगेन टू रिपीट अवेल करने के लिए यू कैन यूज़ द कोड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विच इज़ अरविदा प्रकाश जीरो सेवन तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बेसिक्स समझाया है कि हम ये पूरा जो जोग्राफी है उसका थीमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कैसे कर सकते हैं इसके आगे जो चीज़ें हम करेंगे वो हम टॉपिक वाइज उठाकर जो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई ब्रॉडली हम समझने की कोशिश करेंगे कि थीम्स को अभी तो लिस्ट बता दिया और एक काइंड ऑफ सीक्वेंस भी बता दिया बट करना कैसे है प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है मेंस के लिए क्या ज़रूरी है मैप्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है करंट अफेयर्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है वो सारी चीज़ें हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे सो होप टू सी यू गाइस वेरी सून इन दिस एंटायर सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी एंड थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय